बहुत बड़े नेता हैं दलितों के, जीतन राम मांझी जी। और बड़े नेता बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान रहा है तो माननीय नीतीश कुमार जी का ही, क्योंकि दलित संवर्ग से एक हाशिए पर रहे जाति से आते हैं, अब उसको कंपनसेट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने JDU में एक बेहतर विकल्प था, रत्नेश सदाजी जो उसी संवर्ग से आते हैं, उनको दे करके उन्होंने भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी मोड में सभी लोग आ गए हैं और चुनाव को देखते हुए इस तरह की घटनाएं घटना, कोई पार्टी को मिलना, कोई पार्टी छूटना, कोई इधर आना, कोई उधर आना, ये सब लगा रहेगा। ये बिल्कुल रूटीन वर्क होता है चुनाव के वक्त में। मुसहर समाज जो है एक बहुत हाशिए पर रहने वाला समाज है सत्ता और शासन से, उस समाज के प्रति नीतीश कुमार जी ने दरिया दिल्ली दिखा करके उसको तुरंत अगर कंपनसेट कर रहे हैं तो इसमें कहाँ से कोई अप्रत्याशित है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मांझी जी का एक बेहतर विकल्प है मांझी जी, तो राजपूत अगर छोड़ के गए हैं तो राजपूत का भी कोई एक बेहतर विकल्प होगा, अगर कार्तिक सिंह गए हैं तो उनका भी एक विकल्प है, अनंत सिंह की पत्नी भी है। चुनाव तो जब भी हो, 6 महीना के बाद हो, 8 महीना के बाद हो, यानी साल भर के अंदर में चुनाव होना है, तो 6 महीना में हो या 8 महीना में हो, ये चिंता तो भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी डे बाई डे अपना जो है इमेज जो है, अपना अस्तित्व जो है थोड़ा सा खो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, 23 तारीख को विपक्षियों की बैठक पटना में होने वाला है और उससे पहले जो हो रहा है जग जाहिर है, उससे पहले जीतन राम मांझी के बेटे यानी कि संतोष सुमन का नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा और अब फिर से उनके जगह पे रत्नेश सदा का उस मंत्री बनना। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है कि आखिर RJD के तरफ से भी मंत्री, कई मंत्री जो हैं वो अभी तक नहीं बने हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होने की भी बात कही जा रही थी, तो आखिर इनके तरफ से एक मंत्री का इस्तीफा के बाद एक तुरंत मंत्री बन जाना, लेकिन RJD के तरफ से मंत्री क्यों नहीं बना। एक और बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जो कि पहले ही वो अभी कहते नज़र आ रहे हैं कि अब मध्यवर्ती चुनाव भी हो सकता है और उसके लिए पहले से ही कमर कस लें यानी कि तैयारी शुरू कर दें। चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम RJD के MLC रामबल्ली चंद्रवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रवंशी जी, जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, इस्तीफा हो रहा है, भाई 23 तारीख पे सबका निगाह, BJP का भी निगाह, कहा जा रहा है कि BJP कहीं ना कहीं डर गई है, इसीलिए उससे पहले मध्यवर्ती चुनाव का ऐलान हो रहा है। इधर मंत्री एक इस्तीफा दिए हैं, एक मंत्री बन गए हैं, लेकिन RJD के कोटे के तरफ से, RJD के तरफ से भी तो दो मंत्री वहां पे नहीं है, तो उन आप लोगों की तरफ से कोई मंत्री क्यों नहीं है अभी तक। देखिए, पहली बात आपने कही कि 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है विपक्षी एकता की, वो महत्वपूर्ण है। ये वाकई महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो आज देश में हालात है उस हालात को देखते हुए लगता है कि अघोषित आपातकाल की स्थिति से गुजर रहे हैं। जो नेता विरोध में बोलते हैं उनके यहाँ ED CD भेज दिया जाता है। इस तरह के माहौल में महंगाई क्या वही मार है, आपका स्वतंत्रता का वही हालात है, गैस का, LPG का, पेट्रोल का, सबके दाम बेतहाशा वृद्धि हुई है, तो पूरा जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है। वैसी हालात में विचारों की स्वतंत्रता भी करीब करीब बाधित हो रही है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग या कहिए RSS के लोग जो हैं, ये राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र, हिंदू रिपब्लिक बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, और उसी की दिशा में जो पार्लियामेंट का अनावरण दिवस था उस पर सिंगोल का जो प्रदर्शन हुआ, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि वह लोकतंत्र में उनकी आस्था नहीं है, वह हिंदू तंत्र में, राजतंत्र में उनकी आस्था है, इसीलिए राजदंड की उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया। थोड़ा सा हम लोग ये बात मंत्री के तरफ, अगर मंत्री की तरफ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोगों की तरफ से जो 2 सीटें मंत्री के जो हैं वो अभी तक खाली हैं, कानून मंत्री हो या कृषि मंत्री हो। अब देखिए, मंत्री अभी हमारे बहुत बड़े नेता हैं दलितों के, जीतन राम मांझी जी, और बड़े नेता बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान रहा है तो माननीय नीतीश कुमार जी का ही। अगर माननीय नीतीश कुमार जी उनको अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाए होते तो जीतन राम मांझी जी का बारे में बहुत लोग नहीं जान पाते, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद है उन्होंने अपनी पहचान थोड़ी बनाई बाकी से अपनी बात रख करके, लेकिन उनका फिसलन भी इतना अधिक होता है कि उससे जनता में थोड़ा संदेश भी अच्छा नहीं जाता है, और उसी का प्रतिक्रिया है। आज चुनावी मोड में है, ये चुनावी वर्ष है, 2023 से 2024 के बीच में चुनाव होना है, अब थोड़ा सा पहले हो थोड़ा सा बाद में हो वो तो डिपेंड करता है निर्वाचन आयोग या
केंद्र सरकार पर, लेकिन चुनावी मोड में सभी लोग आ गए हैं और चुनाव को देखते हुए इस तरह की घटनाएं घटना, कोई पार्टी को मिलना, कोई पार्टी छूटना, कोई इधर आना, कोई उधर आना, ये सब लगा रहेगा। ये बिल्कुल रूटीन वर्क होता है चुनाव के वक्त में। उसी क्रम में मांझी जी के लड़के संतोष सुमन जी ने अपने मुख्यमंत्री ये मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। अब वो चूँकि दलित संवर्ग से एक हाशिए पर रहे जाति से आते हैं, अब उसको कंपनसेट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जेडीयू में एक बेहतर विकल्प था रत्नेश सदाजी जोशी संवर्ग से आते हैं, उनको दे करके उन्होंने भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। यानी जैसा कि आप कह रहे हैं कि जेडीयू में एक बेहतर विकल्प था, तो यानी कि आरजेडी में क्या कोई बेहतर विकल्प नहीं है? कार्तिक सिंह अगर वहाँ से गए हैं तो उनसे सबसे करीबी जो अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी, वो भी तो विकल्प में है। मैंने वो बात नहीं कही। मैंने कहा कि दलित संवर्ग में आने वाले मुसहर समाज जो है एक बहुत हाशिए पर रहने वाला समाज है सत्ता और शासन से, उस समाज के प्रति नीतीश कुमार जी ने दरिया दिल्ली दिखा करके उसको तुरंत अगर कंपनसेट कर रहे हैं तो इसमें कहाँ से कोई अप्रत्याशित है। अब रही बात राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तय करेंगे कि हमारे दल से कौन, और नेता तय करके अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनका शपथ ग्रहण कराएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का काम नहीं है कि कांग्रेस से कौन मंत्री बनेंगे, आरजेडी से कौन मंत्री बनेंगे, ये तो दल के नेता का काम है। दल के नेता अगर नाम देंगे तो मुख्यमंत्री जी इसका शपथ। वही मेरा सवाल है कि आखिर दल के नेता आप लोगों के यहाँ तेजस्वी यादव जी हैं, तो आखिर वो क्यों नहीं ये कर रहे हैं? सुधाकर सिंह भी उतना मतलब वो छोड़ के गए हैं, फिर सुधाकर सिंह अगर राजपूत है तो राजपूत, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मांझी जी का एक बेहतर विकल्प है मांझी जी, तो राजपूत अगर छोड़ के गए हैं तो राजपूत का भी कोई एक बेहतर विकल्प होगा। अगर कार्तिक सिंह है तो उनका भी एक विकल्प है, अनंत सिंह की पत्नी भी है। अब हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, अब ये डिपेंड करता है नेता पर कि नेता के कब सुटेबिलिटी है, कब उनको लगता है कि यह काम करना चाहिए, उस हिसाब से इस काम करेंगे। इसमें कोई जल्दीबाजी और हड़बड़ी की बात नहीं है। सबकी निगाहें टिकी हुई है 23 तारीख की बैठक पे, और 23 तारीख की बैठक होने वाली है और उसके एक दिन बाद ही 24 तारीख को बिहार पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा, उसके कुछ दिन बाद फिर अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि आखिर क्यों इतनी जल्दी वो लोग भी पहुंच रहे हैं? 23 तारीख को लेकर के जितनी बेचैनी प्रतिपक्ष में है उससे ज़्यादा बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं से खबर रख रहा है कि कहां पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और 23 तारीख की बैठक निश्चित रूप से भारत में एक मील का पत्थर साबित होगा, और कई नेता आ रहे हैं, उन नेताओं में क्या सहमति बनती है, किस तरह से चुनाव में अधिक से अधिक भाजपा को परास्त करने की रणनीति बनती है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और उस चर्चा का एक बिल्कुल व्यवस्थित रूप जो है, स्वरूप जो है प्रदान किया जाएगा। और उसमें अभी सबको ही समझ रहे हैं कि यह जो है इसके जो कोर हैं, इसके जो धुरी बने हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्हीं के प्रयास से, उनके पहल से इस तरह की बैठक हो रही है और उसमें सारे प्रतिपक्ष के नेताओं का बिल्कुल सहयोग मिल रहा है और यही 23 को बैठक जो है इस तरह का माहौल बना हुआ है। 23 तारीख को बैठक है, फिर जेपी नड्डा आ रहे हैं, फिर अमित शाह आ रहे हैं, और इधर नीतीश कुमार जो कह रहे हैं मध्यवर्ती चुनाव का, यानी कि फाइनल है कि इस बार अब मध्यवर्ती जो चुनाव जो है वो 24 में ना होकर 23 में ही हो जाएगा। इस पर क्लियर कट कहना बहुत संभव नहीं है। कह तो दिया कि निर्वाचन मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसलिए कि बहुत सारी योजनाएं लंबित है, तो उन योजनाओं को, लंबित योजनाओं को ससमय पूरा करने के लिए या समय से पहले पूरा करने के लिए अगर पदाधिकारियों को इन्होंने हिदायत दी है तो ये तो अच्छी बात है। चुनाव तो जब भी हो, 6 महीना के बाद हो, 8 महीना के बाद हो, यानी साल भर के अंदर में चुनाव होना है, तो 6 महीना में हो या 8 महीना में हो, ये चिंता तो भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी डे बाई डे अपना जो है इमेज जो है, अपना अस्तित्व जो है थोड़ा सा खो रहा है, इसलिए उसको ये चिंता है। तैयारी तो पहले से करनी पड़ती है ना सबको। तैयारी के मूड में सब पार्टी है, कोई पार्टी में दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामबली चंद्रवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि देखिए 23 तारीख को विपक्षियों की बैठक है और उससे पहले जो कुछ हो रहा है आप सभी देख रहे हैं। इधर नीतीश कुमार जी ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी काम है जल्दी जल्दी निपटा लीजिए, क्योंकि मध्यवर्ती चुनाव का आगाज हो चुका है, यानी कि हो सकता है मध्यवर्ती चुनाव भी हो, यानी कि 24 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है वो 23 में होने की संभावना बन रही है। और आपको मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 तारीख को बैठक है और उसके बाद ही, तुरंत बाद ही जेपी नड्डा और अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, यानी कि कमर
कस लिया गया है, मध्यवर्ती चुनाव होकर रहेगा जैसा कि लोग कह रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।